मनीषा देओल की कुछ तस्वीरें हो रही हैं वायरल। वो तस्वीरें उनके आने वाले शो के सेट पर की मानी जा रही हैं। खूबसूरती में हेमा मालिनी की बेटी ईशा भी किसी से कम नहीं, और रानी समृद्धि देवी का किरदार जिस ईशा देओल को ऑफर किया गया है जग जननी माँ वैष्णो देवी में, उस किरदार के लिए बताना चाहेंगे हम आपको। काफ़ी ज़्यादा ईशा देओल की चर्चा हो रही है। जी हाँ, दो दिन से मुंबई में इस बात को लेकर ईशा से बातचीत चल रही है। शो में अब तक अभिनेत्री तोरल राजपुत्र को देखा गया है उस किरदार में। इससे पहले आपने देखा होगा कि माँ वैष्णो देवी के किरदार के लिए उन्हें काफ़ी पसंद किया गया। मोह भंग शुरू हो गया है शो में, और ऐसे में पूजा बनर्जी इस शो में जुड़ नहीं पा रही हैं, जिसकी वजह से परिधि शर्मा को इस शो में जोड़ा गया है। लेकिन अब ईशा देओल दुल्हन का रूप लेकर इस शो से जुड़ेंगे तो कितना खूबसूरत होगा वो अंदाज। जोधा अकबर और पटियाला वेब्स में काम कर चुकी परिधि शर्मा को इस शो में ऑफर मिला है। वैसे इसमें ईशा देओल की बात कर रहे हैं आप, तो रानी समृद्धि के किरदार के लिए ईशा देओल जैसे बड़ी अभिनेत्री के नाम की चर्चा बाजार में तयशुदा रणनीति के तहत छोड़ गई हैं। यानी कि कहा जा रहा है कि ईशा देओल की एंट्री को लेकर जो खबरें थी वो फर्जी हैं। फैंस के लिए बुरी खबर ये है कि ईशा इस किरदार में नज़र नहीं आएंगी। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से तृप्ति की रिपोर्ट।